देखें तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल लेयर दिया हुआ है, ठीक है, K1 का वैल्यू है, K2 है, हर एक का थिकनेस दिया हुआ है, ये थिकनेस 3 मीटर होगा, ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है, K3 का भी वैल्यू दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, परमिएबिलिटी ऑफ इच इंडिविजुअल स्ट्रेटा दिया हुआ है, यू हैव टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ KH/KB, ठीक है, KH अगर हम देखें तो हॉरिजेंटल फ्लो में क्या है कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी, ये बता रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, H1+H, ठीक है, K1, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, KH क्या हो जाता है, K1H1+K2H2+K3H3/H1+H2+H3, ठीक है। तो K1 का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻⁴ × 2+2 × 10⁻²× 5+3 × 10⁻³³, ठीक है, गेट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5+2+3, ठीक है, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम केवी निकालते हैं, तो केवी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है ना, केवी इजकल टू क्या होता है, H1+H2+H3 क्या है, H1/K1, H2/K2, H3/K3, बस वैल्यू रख देना है, 2+5+3/2/5 × 10⁻⁴, 5/2 × 10⁻²+3/3 × 10⁻³, सो ये वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.9 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको रेशियो निकालना है, डेट इज KH/KB, KH/KB का, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.1 − 2/1.9 × 10⁻³, कम्स आउट टू बी 5.79, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रहा है कि अगर लेयर्ड सॉइल है उसमें आपको परमिएबिलिटी निकालना है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो या वर्टिकल डायरेक्शन में हो, तो हॉरिजेंटल कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, वर्टिकल से, ठीक है, मतलब KH ऑलवेज KB से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जो KH है वो अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन है, और KB एक तरह से क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन है, और आपको पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज़्यादा होता है किससे, ज्योमेट्रिकल मीन से, इसीलिए आपका क्या है, ये रिलेशन आपका होल्ड्स ट्रू है, दैट इज KH इज ऑलवेज ग्रेटर देन KB, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं, सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या कर लिया कि एज्यूमिंग एट एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ 0.3 इन बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सीपेज, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हॉरिजेंटल सीपेज लें वहाँ पे भी आई इजकल टू 0.3 है और वर्टिकल सीपेज में भी आई इजकल 0.3 है, ठीक है, और ये पूरे कंबाइंड लेयर के लिए है, इंडिविजुअल लेयर के लिए नहीं है, कंबाइंड लेयर के लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड डिस्चार्ज वैल्यू एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी इन इच लेयर फॉर हॉरिजेंटल फ्लो, ठीक है, तो हॉरिजेंटल फ्लो के केस में आपको क्या करना है कि हर एक लेयर में क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, और इंटर्न आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, डिस्चार्ज, ठीक है, तो डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी इन इच लेयर, ठीक है। तो हमको पता है कि जब भी हमारा हॉरिजेंटल फ्लो होता है, ठीक है, तो भी क्या होता है, चेंज होता है, हर एक लेयर में V1 होगा, V2 होगा एंड V3 होगा, सेम क्या होता है, तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है ना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये बेसिकली ग्रेडियंट इज सेम फॉर इच लेयर, हर एक लेयर के लिए सेम होता है, ठीक है। तो जैसे ही हो गया सेम, तो आप क्या होता है, क्यू निकालना है, तो ये टोटल, मतलब ये क्या, क्यू जब आप निकालेंगे तो इसको क्या एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास एक ही लेयर का सॉइल है जिसके पास के एच वैल्यू है और टोटल थिकनेस आपका क्या है, 10 मीटर का है, ठीक है, और आई तो आपको दिया ही हुआ है 0.3, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है, तो इसको क्यू क्यू कैसे डिस्चार्ज, अगर टोटल आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए कर लेंगे, ठीक है। अब के बी का वैल्यू कितना था, 1.1 × के एच का वैल्यू ये था, आई 0.3 था, एरिया क्या है, एरिया अगर हम देखें तो टोटल तो ये थिकनेस 10 है और एक यूनिट हमें क्या मानना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 यूनिट,
ठीक है, यही आपका एरिया हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 10 × 10^2, ताकि ये सेंटीमीटर में आ जाए, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, प्लस 1 यूनिट, ठीक है ना। वैल्यू अगर देखते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.3। देखिए यूनिट में ध्यान रख, देखना सीसी ले लिया है, सेकेंड ले लिया था क्या, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर होना चाहिए था, एक ज़्यादा ले लिया है क्योंकि हमने इसको भी क्या मान लिया है, सेंटीमीटर में ही माना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, सेंटीमीटर ये विर्थ को डिनोट कर रहा है क्योंकि हमारा विर्थ क्या था, 1 यूनिट था, इसलिए द यूनिट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डिस्चार्ज वेलोसिटी आपको निकालना है, इच लेयर में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वी इज इक्वल टू के एच इन टू आई, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें तो वी वन क्या होगा, के वन इन टू आई वन होगा, ठीक है। और आपको पता है कि आई जो होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, सेम है, हर एक लेयर के लिए सेम है। दैट मीन्स आई वन इजकल टू आई टू इजकल टू आई थ्री इजकल टू क्या होगा, आई होगा, ठीक है। तो बस के वन इंटू आई, के वन का वैल्यू क्या है, 5 × 10^-3 × 0.3, 1.5 × 10^ cm। उसी तरह वी टू क्या हो जाएगा, के टू इंटू आई टू, के टू इंटू आई, और ये 2 × 10^-2 × 0.6 cm/s, ये 4 है। उसी तरह आपका भी थ्री क्या हो जाएगा, K3 × I3, K3 × I, 3 × 10^-3 × 0.3, 0.9 × 10^-3 cm/s। तो आपने क्या कर लिया, हर एक लेयर में वेलोसिटी डिफाइन कर दिया और आपने टोटल डिस्चार्ज भी काउंट कर लिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है और हेड लॉस इन ईच लेयर फॉर वर्टिकल फ्लो। वर्टिकल फ्लो के लिए आपको क्या करना है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और हेड लॉस ईच लेयर में आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड हेड लॉस इन ईच लेयर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि जो आई है, जैसे आई हमने एज्यूम किया है 0.3, यह आई वन आई टू और आई थ्री डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होते हैं, वर्टिकल फ्लो में डिफरेंट होते हैं, वेलोसिटी सेम होता है, वेलोसिटी इज सेम इन ईच लेयर फॉर वर्टिकल फ्लो, ठीक है। वर्टिकल फ्लो के लिए वेलोसिटी सेम है, दैट इज वी वन इजकल टू वी टू इजकल टू वी थ्री, और ये वी एच के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वी ये क्या होता है, के वी इन टू आई, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, के वन आई वन इजकल टू के टू आई टू इजकल टू के थ्री आई थ्री, ठीक है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाना, जैसे पहले के वी इन टू आई इजकल टू के वन आई वन, तो यहाँ से देखें तो I1 ही तो निकालना है, तो के वी इंटू आई बाई के वन, के वी का वैल्यू कितना था, 1.9 × 10^-3, I 0.3 दिया हुआ है, के वन का वैल्यू 5 × 10^-4 हो जाएगा, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.14। इसी तरह I2 निकल जाएगा इस वाले दोनों इक्वेशन को जब ले लेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, के वी इंटू आई बाई के टू, ठीक है, 1.9 × 10^-3 × 0.3 गेट डिवाइडेड बाई 2 × 10^-3 -2, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.0825। इसी तरह आई थ्री आपका आ जाएगा के बी इंटू आई बाई के थ्री बाई, ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.19। अब आपने क्या कर लिया, आई वन आई टू आई थ्री निकाल लिया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लिया, और आपको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस बाय लेंथ ऑफ द सॉइल होता है, ठीक है। तो आई वन को मैं क्या लिख दूंगा, आई वन को हेड लॉस इन दैट लेयर गेट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द लेयर, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, हमें हेड लॉस निकालना है डेल्टा एच वन, तो ये आई वन एल वन के बराबर होगा, आई वन का वैल्यू क्या हो गया, 1.14, लेंथ क्या है 2, सो 2.28 मीटर हो गया। उसी तरह आप क्या निकाल लेंगे, डेल्टा एच टू भी निकाल लेंगे, आई टू इंटू एल टू, आई टू का वैल्यू है 0.825 × 5,
सो ये 0.1425 मीटर के करीब आ जाएगा। ठीक है, फिर आप डेल्टा ऑफ H3 भी निकाल सकते हैं I3 इंटू L3 करने से, और ये वैल्यू 0.19 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 0.57 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी आपने हेड लॉस निकाल लिया, इस लेयर में निकाल लिया, इस लेयर में निकाल लिया, इस लेयर में निकाल लिया। अगर हम टोटल हेड लॉस ले लें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 कितने के बराबर होगा, 2.28 प्लस 0.1425 प्लस 0.57। सो ये नियर अबाउट 3 मीटर के करीब आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही 3 मीटर आ गया तो हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू डेल्टा H बाई लेंथ, तो ये 3 बाई कितना है, 10 मीटर का टोटल है, तो 0.3। यही हमने I एज्यूम किया था शुरू में कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टोटल के लिए क्या है, 0.3। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टोटल के लिए क्या था, 0.3, जो कि हमारा फाइनल में भी आ चुका है। इसका मतलब जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह करके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा।